बहुत ही सुंदर दृश्य के आप दर्शन करें दोस्तों। और यह सरोवर है मानसरोवर, और जो मंदिर है दोस्तों वह है श्री राधा रानी मंदिर। यह सरोवर दोस्तों राधा रानी के आंसुओं से निर्मित है, आंसुओं से बना हुआ है। और यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर दोस्तों इस स्थान पर कूट कूट करके भरा हुआ है। प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर स्थान है दोस्तों यह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं श्री राधा रानी मंदिर माठ माठ जो कि एक स्थान है दोस्तों, जो कि वृंदावन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर यह दिव्य स्थान, यह दिव्य मंदिर। और इस मंदिर में एक मानसरोवर है दोस्तों, वह सरोवर भी इसी मंदिर के जस्ट बगल में है दोस्तों। इन सभी स्थलों के दर्शन कराऊंगा, दिव्य दर्शन कराऊंगा, और यहाँ से जुड़ी हुई दिव्य लीलाओं का वर्णन भी करने वाला हूँ इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, माठ में टोटल 3 दर्शनीय स्थल हैं, टोटल 3 दोस्तों द्वापर युग के लीला स्थल हैं। एक तो है बंसीवट, दूसरा है दोस्तों भांडीर वन, तीसरा यह है दोस्तों राधा रानी मंदिर। और इन तीनों स्थानों पर बड़ी ही सुंदर और दिव्य लीलाएं हुई हैं दोस्तों द्वापर युग की, भगवान कृष्ण राधा रानी की, उनके सखा सखियों की, उनके ग्वाल बाल मित्रों की। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों मैं आ चुका हूँ श्री राधा रानी मंदिर माठ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दर्शन कराऊँगा श्री गोपेश्वर महादेव जी के। सबसे पहले मैं आपको भगवान शिव के दर्शन कराता हूँ, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ इस मंदिर के परिसर में विराजमान है दोस्तों। गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, गोपी के स्वरूप में विराजमान है। तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद दोस्तों हम मंदिर में आगे बढ़ते हैं, तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी आप देख सकते हैं, ठीक ठाक संख्या में श्रद्धालु पर्यटक तीर्थ यात्री आए हुए हैं। जनरली दोस्तों इस स्थान पर कोई नहीं आता, क्योंकि दोस्तों किसी को जानकारी नहीं होती है, एक तरह से कह सकते हैं यह हिडन प्लेस है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही विशालकाय गहरा सरोवर है दोस्तों, बड़ा ही सुंदर दृश्य है उसका भी, उसको भी दिखाऊंगा। उस सरोवर का नाम है दोस्तों मानसरोवर, और इस मंदिर का नाम है दोस्तों श्री राधा रानी मंदिर। और मानसरोवर क्यों नाम पड़ा हुआ है दोस्तों उस सरोवर का, उसके बारे में भी बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर बड़ी ही सुंदर और दिव्य लीला हुई है, और उसी सुंदर दिव्य लीला का साक्षी है यह स्थान दोस्तों। हुआ ये था कि राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ करके इसी स्थान पर आ जाती हैं और रोने लगती हैं दोस्तों। उनके आंसुओं की धार से जिस सरोवर का निर्माण हुआ उसी को मानसरोवर कहते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर रूठ करके वह भगवान कृष्ण से, राधा रानी रूठ करके यहाँ पर आ जाती हैं और रोने लगती हैं दोस्तों, तब भगवान कृष्ण इस स्थान पर आते हैं और राधा रानी को मनाते हैं दोस्तों। उनके पैर पकड़ करके उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से एक गलती हुई थी दोस्तों, उस गलती के बारे में भी बताऊंगा मैं। और उसी गलती की माफ़ी मांगते हुए भगवान कृष्ण राधा रानी के पैर पकड़ करके माफ़ी मांगे इसी स्थान पर दोस्तों। जी हाँ, और यही वो प्राचीन मंदिर है जिसके अंदर मैं हूँ, और दिखाता हूँ वह स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी के पैर पकड़ करके माफ़ी मांगे हैं। तो दोस्तों वो सामने आप जो अंदर मंदिर देख रहे हैं, श्री श्री मान बिहारी मंदिर, वही जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं, एक फ़ोटो लगी हुई जिसमें भगवान कृष्ण बिल्कुल पैर पकड़ के राधा रानी की माफ़ी मांग रहे हैं दोस्तों, यही वो स्थान है। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था दोस्तों, उनके पैर पकड़ करके उनसे माफ़ी मांगी है दोस्तों। इसी दिव्य और सुंदर लीला का साक्षी है यह स्थान, यह मंदिर। जी हाँ दोस्तों, मंदिर बेहद प्राचीन है, आप इसके मतलब देख सकते हैं, इसके स्वरूप को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें एक नीम का वृक्ष बिल्कुल मध्य में दोस्तों, इस मंदिर के मध्य में बिल्कुल एक नीम का वृक्ष है दोस्तों। हुआ ये था कि भगवान कृष्ण यहीं पास में ही बंसीवट है दोस्तों, बंसीवट का एक घना जंगल है दोस्तों, जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों, राधा रानी की सखियों के साथ, गोपियों के साथ अनगिनत रासलीलाएँ किए हैं दोस्तों। और बंसीवट वह वृक्ष है दोस्तों, वह वट का वृक्ष है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने महारास रचाया है। जी हाँ दोस्तों, महारास का मतलब हो गया कि उन्होंने 16,000 कुछ गोपियाँ थीं उनके साथ, एक साथ जो है रास रचाया उनके साथ उसी स्थान पर दोस्तों, उसी बंसीवट के स्थान पर दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसे महारास कहा जाता है, कि महारास जो है दोस्तों भगवान कृष्ण ने बंसीवट में रचाया था गोपियों के संग, जिसमें 16,128 की 328 गोपियाँ थी दोस्तों, उनके साथ रास रचाया था बंसीवट में। और उस वक्त दोस्तों उस महारास को देखने के लिए भगवान शिव भी आए हुए थे गोपी का रूप धारण करके। जी हाँ दोस्तों, गोपी का रूप मतलब
बड़े सुंदर गोपी का रूप धारण करके भगवान शिव आए हुए थे इस महाराज के साक्षात दर्शन करने के लिए, जिस महाराज को भगवान कृष्ण ने बंसीवट में रचाया था दोस्तों गोपियों के साथ। दोस्तों बड़े ही सुंदर गोपी का रूप धारण करके आए हुए थे भगवान शिव, और भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ रास नहीं करके बल्कि भगवान शिव के साथ ही उन्होंने रास किया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव को बिल्कुल ये बात, भगवान कृष्ण को ये बात नहीं ज्ञात थी कि यह जो सुंदर गोपी का रूप धारण किए हुए गोपी हैं, यह दोस्तों रियल में गोपी नहीं, ये तो भगवान शिव हैं, महादेव जी हैं, जो कि गोपी के रूप में आए हुए हैं भगवान कृष्ण की महाराज के साक्षात दर्शन करने के लिए। और इसी क्रम में भगवान कृष्ण राधा रानी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान शिव जो कि गोपी के बड़े सुंदर गोपी का रूप धारण करके आए हुए थे, उन्हीं को दोस्तों राधा रानी बाहर बैठते होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि राधा रानी अलग हैं दोस्तों, उनका रूप धारण करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बड़े ही सुंदर गोपी का रूप धारण करके जरूर आए हुए थे भगवान शिव, और भगवान कृष्ण जो है उनके साथ रास रचा लिए भगवान शिव के साथ, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये गोपी नहीं बल्कि ये महादेव हैं जो कि गोपी के ही स्वरूप में आए हुए हैं इस महाराज के साक्षात दर्शन करने के लिए। इसी बात से दोस्तों राधा रानी नाराज़ हो जाती हैं कि उन्होंने एक सुंदर गोपी के साथ रास रचा लिया, मेरे साथ रास नहीं रचाया दोस्तों। तो इसी बात से राधा रानी नाराज़ हो जाती हैं दोस्तों, और रूठ करके उस बंसीवट में रूठ जाती हैं राधा रानी, उस बंसीवट के घने जंगलों में रूठ जाती हैं वह, और इसके बाद वहाँ से वह रूठ करके इसी स्थान पर आती हैं दोस्तों, और यहाँ पे वह रोने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सुंदर और दिव्य लीला हुई है, बड़ी ही सुंदर और दिव्य लीला का साक्षी है दोस्तों बंसीवट, और साथ ही साथ यह श्री राधा रानी मंदिर यह स्थान दोस्तों। जब वह रोने लगती हैं दोस्तों तो उनकी आंसुओं की धार शुरू हो जाती है, और उनकी आंसुओं की धार से ये जो पास में सरोवर आप देख रहे हैं इसका निर्माण होता है दोस्तों। जी हाँ, ये राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ सरोवर है, इसे कोई साधारण सरोवर मत समझिएगा दोस्तों। जब वह रोने लगती हैं दोस्तों तो कन्हैया आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, लाला आते हैं अपने राधा रानी को मनाने के लिए इसी स्थान पर। जब वो यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी राधा रानी तो रो रही हैं, आंसुओं की धार बह रही है, और एक सरोवर का भी निर्माण हो रहा है दोस्तों। उनकी इतनी धारा बही कि एक सरोवर का निर्माण हो गया दोस्तों, और यह प्रमुख मंदिर है दोस्तों, मुख्य मंदिर है, और सामने राधा रानी के सुंदर विग्रह स्वरूप का भी आप दर्शन करें। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी दोस्तों, इस वजह से मैं पास से बिल्कुल विग्रह स्वरूप के दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन दूर से ही आप दर्शन करें दोस्तों। दोस्तों जब आंसू की धार बहने लगती है राधा रानी की, तो भगवान कृष्ण आते हैं मनाने के लिए, उनको क्षमा मांगते हैं अपनी गलतियों का। वो कहते हैं मैं नहीं समझ पाया कि वो भगवान शिव थे जो गोपी के रूप में आए हुए थे, बड़े सुंदर गोपी का रूप धारण करके भगवान शिव आए हुए थे, इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाए भगवान कृष्ण। अपने गलतियों की सफाई दे रहे थे दोस्तों राधा रानी की, यहाँ इस स्थान पर आकर के उनके चरणों को, राधा रानी के पैरों को पकड़ करके माफ़ी मांगी है दोस्तों इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी से। इसके बाद मनाया है दोस्तों राधा रानी को इसी स्थान पर, इसीलिए दोस्तों इस सरोवर का नाम पड़ा है मानसरोवर, और मंदिर का नाम है दोस्तों श्री श्री मान बिहारी जी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और यह मंदिर टोटली जो है राधा रानी जी को समर्पित मंदिर है, अत्यंत प्राचीन मंदिर है दोस्तों यह राधा रानी का, जिसके मैं आपको सुंदर और दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। माट में हूँ दोस्तों, माट के जितने भी दर्शनीय तीर्थस्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय लीला स्थली हैं दोस्तों, द्वापर युग की भगवान कृष्ण राधा रानी और उनके सखा सखियों ग्वाल बाल मित्रों के साथ उन सभी के दर्शन करा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको भांडीर वन गया हुआ था, भांडीर वन वह स्थान है जो कि माट में ही है, यहाँ से ही कोई लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये जो सामने का दृश्य है ना बड़ा मनोरम है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार बंदर जो हैं झूला झूल रहे हैं। इसी प्रकार का झूला जो है दोस्तों भगवान कृष्ण राधा रानी सखा सखी ग्वाल बाल मित्र उनके यहाँ के वृक्षों पर झूलते थे दोस्तों, खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, रास करते थे दोस्तों, और इसमें बड़ा ही सुंदर सी एक वाटिका, एक बगीचा बनाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर दृश्य है दोस्तों, रमणीक स्थान है, शांतिपूर्ण स्थान है दोस्तों, बिल्कुल मन यहाँ पे आपका रम जाएगा, इस प्रकार की रमणीयता है इस स्थान की दोस्तों। दोस्तों इससे पहले मैं भांडीर वन गया था, भांडीर वन जो कि राधा रानी और भगवान कृष्ण की विवाह स्थली है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं गया हुआ था बंसीवट,
बंसीवट जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ा सा विशालकाय जंगल भी है, उस जंगल में एक बंसीवट है, एक वट का वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन वट का वृक्ष है दोस्तों। उसी वट के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने महारास रची थी दोस्तों। उसी वट के वृक्ष के नीचे दोस्तों भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी, और आज भी दोस्तों उस वट के वृक्ष में ध्यान से कान लगाकर सुनने पर बंसी की मधुर ध्वनि की आवाज़ आती है, और बंसी की मधुर ध्वनि की आवाज़ के साथ साथ ढोलक और डमरू की भी आवाज़ आती है। जी हाँ दोस्तों, उस स्थान के भी दर्शन कराया। बंसीवट एक घना जंगल है दोस्तों, उस घने जंगल में बड़े ही सुंदर तरीके से मैंने दिखाया है, उस पूरे घने जंगल में विचरण किया है दोस्तों, बंसीवट के घने जंगल में। और उस घने जंगल में एक सरोवर भी है जिसका नाम है दोस्तों श्याम तलैया, जिसका निर्माण भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से की है दोस्तों, अपनी बांसुरी से खोद करके उसका निर्माण किया था। क्योंकि जब 16,000 कुछ गोपियां आई हुई थी रास रचाने के लिए भगवान कृष्ण के साथ उस स्थान पर, तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम स्नान करेंगे, इसके लिए पानी का प्रबंध कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने दोस्तों वहाँ पर एक अपने बंसी से एक तालाब बनाया जिसका नाम था दोस्तों श्याम तलैया, उसके भी दर्शन कराया। उस बंसीवट के घने जंगल में वह श्याम तलैया नाम का तालाब आज भी दोस्तों विराजमान स्थित है, जिसके मैंने दर्शन कराया है। उसमें स्नान करने के पश्चात गोपियां दोस्तों भगवान कृष्ण के साथ महारास रचाती हैं दोस्तों, और इस महारास का दिव्य दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण सुंदर गोपी का रूप धारण करके दोस्तों वहां पर पहुंचे थे। तो भगवान कृष्ण उस भगवान शिव के सुंदर स्वरूप को देख करके उनके साथ रास रचा लिया था दोस्तों, गोपी समझ करके रास रचा लिया था दोस्तों भगवान शिव के साथ। इसी बात से नाराज होकर के राधा रानी इसी स्थान पर रूठ करके आ जाती हैं दोस्तों, रोने लगती हैं, उनके आंसुओं की धार बहने लगती है, उनके आंसुओं की धार से यह मानसरोवर का निर्माण हुआ है दोस्तों। इसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं, अपनी राधा रानी को मनाते हैं, पैर पकड़ करके माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं दोस्तों कि मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, मैं नहीं समझ पाया कि वो भगवान शिव थे जो कि सुंदर गोपी का रूप धारण करके आए हुए थे। तो इसीलिए दोस्तों इस स्थान का नाम पड़ा है मानसरोवर। इस सरोवर का नाम मानसरोवर है दोस्तों, जिसके मैं आपको सुंदर दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ से तो बड़े ही रमणीक दर्शन हो रहे हैं, बड़े ही सुंदर स्थान है दोस्तों, सरोवर और उसके बगल में मंदिर, और चारों तरफ हरे घने पेड़ों की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर लेगी, इस स्थान से जाने तो नहीं ही देगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूँ, ब्रज मंडल के सारे तीर्थ स्थलों को, सारे दिव्य लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना धाम, नंदगांव, काम्यवन, मथुरा के दर्शन कराया दोस्तों, वहाँ के सुंदर दिव्य लीला स्थलियों, दिव्य दर्शनीय स्थलों, दिव्य दर्शनीय तीर्थ स्थलों के दर्शन कराया, दिव्य दर्शनीय पर्यटक स्थलों के दर्शन कराया दोस्तों। और अभी आ चुका हूँ दोस्तों माट में, माट में दोस्तों अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ श्री राधा रानी मंदिर और मानसरोवर के, यहाँ से दिव्य लीलाओं का भी वर्णन मैंने किया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसी यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पर दोस्तों भांडेर वन है, उसके भी दिव्य दर्शन करा चुका हूँ। इसके अलावा बंसीवट है और उसका घना जंगल है, उसके भी दर्शन कराया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।